ชดาคิดโหหวังมีนังแดงแล้วจะกินนังส่วงมีนังส่วงแล้วจะกินนังแดงแล้วกูไม่แดงแต่กูทำไม่ม่วงคิดกูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงว่าหัวแดงแล้วจะทำหรือลวงเอามือไปควงไงที่เกลี้ยงได้ข้ามาเดี๋ยวจะท่าตั้งแข่งเอาไงจังหวะแข่งมีนังแดงแล้วจะกินนังส่วงมีนังส่วงแล้วจะกินนังแดงมีนังแดงแล้วจะกินนังส่วงมีนังส่วงแล้วจะกินสำเร็จการบ้านเฮ้ยจมัดการเฮ้ยจมัดการबोले बाबा तो ऑरलैंडो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है कि तुम लोग बहुत ही अच्छे होगे, और नहीं भी होगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोला तूने? तो आज की इस वीडियो में ना तुम्हारा भाई तुम लोगों को कुछ अचानक भयानक भयंकर ट्रिक साथ साथ कुछ ऐसे बग्स और ग्लिचेस बताने वाला ना, जिनको देखने के बाद तुम लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। तो बस ना तुम लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में ना तुम लोग को बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ना तुम लोग यही बोलने वाले हो, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसी और अमेजिंग ट्रिक्स डेली देखने के लिए। ओके, तो उम्मीद है कि तुम लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो चलो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। और अपने सबसे पहले वाले ट्रिक को करने जाए तुम लोग का रैंपेज वाले मोड में आ जाना, और यहाँ पे जहाँ अपना रैंपेज मोड चालू होता है यहाँ पे सेकंड दिखाते हैं ना, जैसे ही तुम्हारा एक या दो सेकंड बचेगा तुम लोग का करना है कि तुम लोग अपने लोग को चालू करके ना अपने डाटा को ऑफ कर देना है। और ना जैसे ही तुम लोग अपने डाटा को ऑफ करोगे तुम लोग यहाँ पे जब लॉबी में आओगे ना, मतलब जहाँ पे बंदे जाए जाते गन खरीद के, वहाँ पे तुम्हारा कैरेक्टर पूरा गायब हो जाएगा और आलोक तुम लोग को चालू दिखाई देगा। और जब भी ना तुम लोग का ऐसा कुछ नजारा दिखाई देगा उसके बाद तुम लोग को जाना है सेटिंग्स, और जो तुम्हारा जो रन मोड होता है ना उसमें जाकर तुम लोग को मिक्स पे क्लिक कर देना है। और जैसे तुम लोग मिक्स पे क्लिक करते हो ना तुम लोग को थोड़ा सा आगे बढ़ाना, अपने कैरेक्टर को ऐसे दौड़ाते रहना है, उसके बाद देखिए तो मतलब देखने में क्या ही खतरनाक लग रहा है वाला ट्रिक, मतलब तुम लोग देखिए तो काफी अचानक भयानक भयंकर लग रहा है वाला ट्रिक देखने में, जो कि पूरा आलोक तुम्हारा कैरेक्टर इनविजिबल है पूरा, और आलोक तुम लोग को मतलब दबा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और अभी इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके ना तुम लोग अपने सारे फ्रेंड को सॉल्व कर सकते हो, और उन्हें वाली ट्रिक दिखा के ना उन्हें पगला भी सकते हो। Wow! तो अपने दूसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए जो अपना बैक स्विंग मोड होता है उसमें तुम लोग को आ जाना सबसे पहले, उसके बाद तुम लोग एक जीप को ले लेनी है, और फिर तुम्हारा जो वुडन वाला होता है ना जो लगाया जाता है लकड़ी का, उसको तुम लोग को बहुत सारे ले लेना है, उसके बाद ना तुम लोग को लाइन से कुछ ऐसे लगाते जाना है अपने वुडन वाले बॉक्स को। और हाँ, याद से तुम लोग जब लगा रहे होगा ना इसको तो मतलब ज्यादा गैप मत छोड़ना, तुम लोग मतलब पूरा भर के ही रखना, मतलब सटा सटा कर रखना कि ज्यादा गैप ना हो इनके बीच। और ना ऐसे ही कर करके तुम लोग को 10-15 कुछ ऐसे लगा देना, फिर तुम लोग ना अपने जीप के पास आ जाना। जैसे तुम लोग अपने जीप के पास आ जाओ ना तुम लोग को जीप में बैठ जाना है सबसे पहले, और जैसे तुम लोग अपने जीप में बैठ जाओगे ना तुम लोग अपने डाटा को ऑफ कर देना है। और ना जैसे तुम लोग अपने डाटा को ऑफ कर दो उसके बाद तुम लोग आराम आराम से अपनी गाड़ी को ना आगे बढ़ाना है कुछ ऐसे, उसके बाद बूम तुम लोग देख सकते हो, जो तुम्हारा वुडन वाला है ना उसके अंदर से तुम्हारा पूरा मतलब गाड़ी जा रहा है कुछ ऐसे तुम लोग देख ही सकते हो। मतलब ये वाली ट्रिक ना देखने में कुछ अचानक भयानक भयंकर लग रही है, मतलब देख सकते हो तुम्हारी गाड़ी ना पूरा मतलब जो अपना मिट्टी का दीवार है ना उसके अंदर से जा रही है, मतलब वॉल हैक टाइप का लग रहा है कुछ। और ना इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके तुम लोग अपने फ्रेंड को पूरा सॉक कर सकते हो, मतलब पूरा जितने भी मतलब लाइन से तुम लोग जितने भी लगा सकते हो ना वुडन वाले को उसको लगा देना, उसके बाद तुम लोग को गाड़ी को बीच से ले जाना है, जो कि देखने में ना काफी खतरनाक लग रहा है। बात तो सही है। तो अपने तीसरे वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग किसी भी गेम में आ जाना, उसके बाद तुम लोग प्लेन में ना अपने डाटा को ऑफ कर देना कुछ ऐसे, और तुम लोग वुकंग कैरेक्टर के लेके आना इस वाले ट्रिक को करने के लिए। और जैसे तुम लोग अपने डाटा को ऑफ कर दो ना तुम लोग पूरा नीचे उतर जाना सबसे पहले, और ना जैसे तुम पूरा नीचे उतर जाओ कुछ ऐसे, मतलब तुम लोग करना है कि ना मतलब तुम लोग किसी ऊंची जगह पे फटाक से लैंड हो जाना है, और फिर तुम्हारा जो वुकंग का बटन होता है ना उसको टैप टैप करते रहना है तुम लोग को 10-15 बार टैप टैप करके ना अपने डाटा को कुछ ऐसे ऑन कर लेना है। और ना 10-15 बार जैसे तुम लोग टैप टैप कर लेगा फिर से तुम लोग अपने डाटा को ऑन कर देना है, फिर भी तुम लोग टैप टैप करते रहना, मतलब कुल मिलाकर तुम लोग 20-30 बार टैप टैप कर देना है, और फिर तुम लोग को जैसे ही लगे ना मतलब तुम्हारा डाटा वापस आने वाला है, तुम्हारा पिंग नॉर्मल होना है, तुम लोग टैप टैप करना बंद कर देना है, और उसके बाद तुम लोग देख सकते हो तुम्हारा कैरेक्टर ना पूरा हवा में वुकंग बन चुका है। मतलब कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, मतलब उतरते टाइम तुम लोग वुकंग कैसे बन सकते हो, देखने में ना ये वाली ट्रिक काफी अमेजिंग लग रही है। और कोई भी इस वाली ट्रिक को देखेगा ना ये नेमी दूर से नीचे से या तुम्हारे फ्रेंड भी नीचे से देखेंगे तो पूरा पगला ही जाएंगे। अच्छा, तभी अपने चौथे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग को जो अपने बरमूडा मैप होता है उसमें तुम लोग को पीक की इस वाली जगह पे आ जाना है, फिर तुम लोग अपने मिनी लॉन्च पैड को ना इस वाली जगह पे कुछ ऐसे लगा देना है, और ना जैसे तुम लोग का मिनी लॉन्च पैड ऐसे कुछ प्रॉपर लग जाएगा ना उसके बाद तुम लोग इसके ऊपर चढ़ना है, और फिर तुम्हारा जो लीवर मिनिमाइज का बटन होता है ना दोनों को साथ में दबा के गेम में वापस आ जाना, उसके बाद देखी तो तुम पूरा ना धरती के अंदर आ चुके हो। और ना जैसे तुम लोग पूरा जमीन के अंदर आ जाओगे यहाँ पे बैठ के ना तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो, और बहुत सारे किल भी कर सकते हो इस वाली जगह के, क्योंकि इस वाली जगह पे ना लिटरली तुम लोग को कोई नहीं देख पाएगा, क्योंकि थोड़ी से तुम लोग का बैग ही बस दिखाई दे रहा है, और तुम लोग अगर बैग को भी फेंक देते हो ना तो तुम लोग इस वाली जगह पे कोई नहीं देख पाएगा। और ना अगर तुम लोग बहुत ही जल्दी ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हो, अपना रैंक पुश करना चाहते हो, तो इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल तुम लोग कर सकते हो, और बहुत आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो, और बहुत सारे किल भी कर सकते हो। ओके,
तो अभी अपने पांचवें नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए जो ये लॉन्च पैड तुम लोग को दिखाई दे रहा है इस वाली जगह पे जो कि कार्टूल स्टीवा पे होता है उसमें तुम लोग को आ जाना है और अपने बैक स्विंग मोड में इस वाली जगह पे आना है तुम लोग को। फिर तुम लोग अपने लॉन्च पैड को ना कुछ ऐसे सेट कर देना और उतर जाना है और जहाँ पे तुम लोग उतरे हो ना जो अपना वुडन वाला होता है वहीं पे तुम लोग को उस वाली चीज को लगा देना है और ना जहाँ पे तुम लोग उतरे तो वहाँ तुम लोग को याद से लगा देना है। फिर तुम लोग को फिर से लॉन्च पैड पे चढ़ना है और फिर से तुम लोग को लीव कर देना है और उसके बाद बूम तुम लोग देख सकते हो तुम लोग पूरा ईटा पत्थर दीवार के अंदर आ चुके हो। और ना जैसे तुम लोग यहाँ पे आ जाओगे मतलब इस वाले ट्रिक को दिखा के ना तुम लोग अपने फ्रेंड को शॉक भी कर सकते हो मतलब तुम लोग पूरा इसके अंदर कैसे आ चुके हो। और ना अगर तुम लोग इस वाले जैसे किसी एनिमी को मारते हो तो मतलब वो पूरा पगला ही जाएगा इसके अंदर तुम लोग कैसे आ गए और यहाँ से कैसे गोलियां चला रहे हो तुम लोग। और इसके अंदर से ना तुम लोग बहुत सारे किल कर सकते हो रैंक पुश तो होगा नहीं इसमें लेकिन बहुत सारे किल कर सकते हो और मजे कर सकते हो तुम लोग। और ये वाली ट्रिक ना देखने में भी कुछ खतरनाक लग रही है। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना। इन पांचों ट्रिक्स में से ना सबसे ज्यादा तुम लोगों को कौन सी ट्रिक पसंद आई कमेंट में जरूर बताना। ओके और हाँ अभी तक तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। ठीक है समझ गया। तो बस अभी के लिए बस इतना ही बोलना था तो वीडियो खत्म। भागो यहाँ से।